सो गाइस अभी होली का 4-5 दिन बचा हुआ है। लिखा है वेलकम, तो ये मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। देखो यहाँ पे वेलकम लिखा है। ब्रिज, ओ भाई साहब क्या व्यू है भाई। हाँ 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 कोथा कोथा परिमान अंकल पूरा साइकिल पे पूरा ऑल इंडिया विजिट किया है। हाँ खाली सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट कैंसिल हो गया, इसलिए जो साइकिल का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज है संडे और मैं अभी जा रहा हूँ प्री होली सेलिब्रेशन करने के लिए। सो गाइस अभी होली का 4-5 दिन बचा हुआ है अभी भी, लेकिन मैं आज जाऊँगा प्री होली सेलिब्रेशन के लिए। अब देख सकते हो मैं अभी पूरा पंजाबी पहना हूँ अभी, तो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, किन लोगों के साथ सेलिब्रेशन होगा, सारा चीज़ आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो चलो यार आप लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। भैया स्कूटी लेके चेस कर रहे हैं। क्या टान रहे है भाई भैया। ये बच्चे का रिएक्शन देखो। मैं अभी जा रहा हूँ प्री होली सेलिब्रेशन करने के लिए। कहाँ पे जा रहा हूँ? फेसबुक में ग्रुप है, ग्रुप का नाम है राइडिंग कम्युनिटी ऑफ बंगाल। तो उस ग्रुप में वेस्ट बंगाल से जितने भी सारे राइडर है, मतलब राइडर मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास सुपर बाइक ही होना चाहिए या फिर KTM R15 होना चाहिए, आपके पास अगर एक स्कूटी भी होगा ना फिर भी आप राइडर हो, अगर आप स्कूटी लेकर राइड पे निकलते हो तो। तो हर टाइप का राइडर इस ग्रुप में है, टोटल 2.5 लाख मेम्बर है इस ग्रुप का। मतलब होली का भी 4-5 दिन बाकी है, सो होली से पहले एक प्री होली सेलिब्रेशन रखा है तो जहाँ पे इस वाले ग्रुप का मेंबर है। आज फाड़ू मस्ती होने वाला है यार, आप लोग प्लीज ब्लॉग पे कंटिन्यू रहो यार, बहुत मस्ती होने वाला है आज। और गाइस देख लो राइट साइड पे प्रिंसेप घाट है अपना, तो मतलब प्रिंसेप घाट क्रॉस करके वो जगह होगा। तो उसके साथ साथ जो सबसे मुझे खूबसूरत लगता है ना, इसके ठीक ब्रिज के ऊपर लिखा है वेलकम, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखो यहाँ पे वेलकम लिखा है। और ये जो जगह है ना गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा आर्मी एरिया है, तो इसी वजह से इतना साफ सुथरा, इतना डिसिप्लिन, वेल मेंटेन्ड और भीड़ इतना कम है इसी वजह से। इसके बाद हम लोग को जाना है यहाँ से। और बस 1.9 किलोमीटर बचा हुआ है और ये ब्रिज, ओ भाई साहब क्या व्यू है भाई। गाइस फर्स्ट टाइम मैं ऐसे जगह पे आया हूँ यार, मतलब इतने बड़े बड़े शिप मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना सामने से, वाह। और ये गार्डन ब्रिज मैंने पहले, इसके पहले भी मैप में देख लिया था कि ये गंगा रिवर के बगल में है। सो गाइस मैं अभी तो फिलहाल स्पॉट पे आ चुका हूँ, लेकिन हाँ कोथा कोथा अच्छा ওখানে যে বাইকস গুলো রয়েছে ওখানটায় তো। तो यार मैं फिलहाल पहुँच चुका हूँ यार, और यहाँ पे करते हैं अपने बाइक को पार्क।
और गाइस अभी भैया लोगों ने कॉल किया था और बोला कि भैया लोग अभी फ़िलहाल स्प्लेनेट मेट्रो पे हैं, तो अगर 15 मिनट पहले अगर भैया लोगों ने कॉल किया होता तो शायद मैं उन लोगों के लिए वहाँ पे रुक जाता, मुझे पता नहीं था ये चीज़। तो चलो यार अभी फ़िलहाल अंदर जाते हैं। ये है परिमान अंकल, जिसने अंकल ने पूरा साइकिल पे पूरा ऑल इंडिया विजिट किया है, तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है आज अंकल से मिलके। मतलब मैंने पूछा अंकल से पूरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ शायद सीखने को मिलेगा अंकल से। सो अंकल मतलब तो आपने 7 महीने में पूरा घुमा है ना इंडिया? हाँ, खाली सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट कैंसिल हो गया, इसलिए जो साइकिल का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए इस बार जो सेकंड टूर होगा। अच्छा, जो अंकल जो व्यूअर्स हम लोग का जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप व्यूअर्स को कुछ अगर बोलना चाहते हो, बहुत सारे लोग ये बोलना चाहते हैं कि साइकिल से बहुत सारे लोग कंटिन्यू करना भी चाहते हैं, उन लोगों को अगर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या है? साइकिल चलाना सबको आता है, मगर इतना लॉन्ग टूर जाना कोई चाहता नहीं, एक चांस में जाना ठीक नहीं होगा। काहे के लिए इधर में साइकिल चला के उसको हैबिट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तब वो क्या होगा ठीक रहेगा। अच्छा। काहे के लिए, नहीं तो निकल के वो परेशान हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस यहाँ से अभी निकलने का वक्त आ गया। सच में गाइस क्या बढ़िया इवेंट रहा यार, मतलब ऑसम, जस्ट ऑसम इवेंट था ये। गाइस फाइनली हम लोग सब लोग निकल चुके हैं, फुल ग्रुप मेंबर। बोलो अमा के दीदी ले, अरे थैंक यू, पॉकेटे रखिए टाके। तो बाइकिंग का चेस शुरू। गाइस यहाँ पे एक सीन हुआ है, क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये जो R15 V2 वाले भैया है, ये और मैं दोनों मतलब थोड़ा आगे था, तो भाई सर ने इसका लाइसेंस सबसे पहले चेक किया कि हमारा नहीं पकड़ा, क्योंकि गाइस आपके सामने गोप्रो होता है ना, मोटो ब्लॉगर होते हो, तो सबको पता है अगर पुलिस आपको पकड़ रहा है तो इसका मतलब आपको कंटेंट मिल गया। मीनवाइल पहले पुलिस इतना चालू नहीं था, मतलब अब पुलिस इतना साथी भी हो चुका है, समझ जाता है पुलिस कि यार इसको तो अपना कंटेंट मिल जाएगा यार। हम ब्लॉगर्स लोगों का यही ताकत है भाई,
ये लेके मेरा सेकंड टाइम हो रहा है कि पुलिस देखा लेकिन पकड़ा नहीं, कारण मेरे सामने गोप्रो लगा था। और अभी तो मोटर ब्लॉगर मतलब ऐसा करते हैं कि जानबूझ के पुलिस के सामने बाइक को ले जाते हैं कि भाई तू पकड़ मेरे बाइक को यार, मुझे कंटेंट मिल जाएगा, हो सकता है मेरे को मैक्सिमम 100 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ फाइन लगेगा यार, लेकिन मुझे कंटेंट मिल जाएगा। तो वो जानबूझ के पुलिस के सामने से जाता है। पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, पुलिस को भी पता है अच्छा बच्चू, तो ये बात है, सब कंटेंट का खेल है ना। ठीक है भाई, पुलिस भी जानबूझ के नहीं पकड़ता अभी। सो गाइस, मैं अपने घर पे फाइनली पहुंच चुका हूँ। और अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना है, और अगर क्या अच्छा लगा वो आपको कमेंट करना है, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं यार, डिसलाइक कर देना। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए पीस।